हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मम्मा लर्न टेलरिंग। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ब्यूटीफुल आस्तीन की डिज़ाइन शेयर करने वाली हूं। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने अपने अकॉर्डिंग आस्तीन की कटिंग कर ली है, आप भी अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए। तो यहाँ से हम आधा इंच लेते हैं और टिक लगा लेंगे। यहाँ पर नीचे की तरफ हम डेढ़ इंच ले लेंगे इस तरह से, और इस तरह से हम लाइन खींच लेंगे। और लाइन खींचने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेते हैं इस तरह से। तो हमने इसकी कटिंग कर ली है, अब हम इसे मेन फैब्रिक पर अटैच करेंगे। तो ये हमारा मेन फैब्रिक है, हम इस पर अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने अस्तर वाले कपड़े को मेन फैब्रिक के ऊपर रख लिया है। यहाँ से हम नाप लेंगे 3 इंच पर और टिक लगा लेंगे नाप कर। तो दोनों आस्तीन पर हम इसी तरह टिक लगा लेंगे। और इस तरह से साइड से हम इसकी सिलाई कर लेंगे। तो चलिए सिलाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं 1/4 इंच लेते हुए इसकी सिलाई कर रही हूँ। अब भी इसी तरह 1/4 इंच लेते हुए सिलाई कर सकते हैं या अपने अकॉर्डिंग आधा इंच ले सकते हैं। तो इस तरह से चारों तरफ से सिलाई कर लेंगे। जो हमारा बीच का फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे हम, और यहाँ पर हम छोटा छोटा कट लगा लेंगे ताकि हमारा फैब्रिक अच्छे से फोल्ड हो जाए। तो इस तरह से हम पलटा लेंगे अपने कपड़े को। तो यहाँ पर मैंने पलटा लिया है, अब पीछे की तरफ से हम इसकी सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से सिलाई कर लीजिएगा आप भी। तो यहाँ पे हमने सिलाई कर ली है, जो कपड़ा बचा हुआ है हम उसकी कटिंग कर लेते हैं इस तरह से। सेम इसी तरह हम सेकेंड पार्ट को भी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने दोनों आस्तीन की सिलाई कर ली है। जो हमने कपड़ा कट किया था उसको इस तरह से ले लेंगे, और ये हमारा साड़ी का फैब्रिक है। तो इस तरह से फोल्ड कर लेंगे हम इसको। हम यहाँ पे नीचे की तरफ फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, और इसकी सिलाई कर लेंगे। इस वाले भाग की भी हम इसी तरह सिलाई कर लेंगे। जो कपड़ा हमने डिजाइन के लिए कट किया था उसे हम इस तरह से रख लेंगे। तो इस तरह से रख लीजिएगा और मार्क कर लीजिएगा। अब हम इसे अटैच कर लेते हैं इस तरह से आस्तीन पर। तो यहाँ पर हम सिलाई कर लेंगे इस तरह से, आप लोग भी इसी तरह अटैच कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से सिलाई कर ली है इसकी। जो कपड़ा पीछे की तरफ बचा हुआ है हम उसकी इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। तो सेम हमने दोनों आस्तीन को इसी तरह सिलाई कर ली है। अब हम ये वाला फैब्रिक नीचे की तरफ अटैच करेंगे। तो हम आस्तीन को उल्टा रखकर इस तरह से सिलाई कर लेंगे।
और इसे सीधा पलटकर इस तरह से फोल्ड करते हुए एक और सिलाई कर लेंगे हम। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे इसकी सिलाई कर ली है। अब हम इस पे लेस लगाएंगे। तो इस तरह से मैं इस पे लेस अटैच कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने सिल्वर कलर का लेस यूज किया है। तो यहाँ पर हमने लेस भी अटैच कर लिया है। अब हम बो बनाएंगे। तो इस तरह से हम बो बना लेते हैं। हम इसे सीधा पलट लेंगे इस तरह से। और सुई से हम इस तरह से इसकी सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने छोटा सा बो बना लिया है इस तरह से। यहाँ पर हम इसे अटैच कर लेंगे और बीच में हम यहाँ पर सिल्वर कलर का मोती यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सिल्वर कलर का मोती अटैच कर लिया है। तो इस तरह से मैंने अस्तिन की डिजाइन बना ली है, दोनों अस्तिन की। अब हम इसे अटैच करेंगे कपड़े पर। तो इस तरह से हम सेंटर पॉइंट लेते हुए रख लेंगे और इसे अटैच कर लेंगे। इसी तरह हम उस वाले पार्ट की भी सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने दोनों अस्तिन अटैच कर लिया है। अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारा ब्यूटीफुल अस्तिन बनकर तैयार हो गया है, देख लीजिएगा, बहुत ही सुंदर और प्यारा लग रहा है। तो इसी तरह आप भी अपने अस्तिन पर डिज़ाइन बना सकते हैं। तो आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।